अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी, आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि नूरीन व्लॉग नहीं आया। असल में मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, तो इस वजह से कल मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वॉइस ओवर करूँ और व्लॉग अपलोड करूँ। तो खैर, आज भी मैं जल्दी जल्दी में वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि अभी भी निकलना है। और आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि नूरीन आप अभी इधर ही हो या चले गए हो, तो मैं अभी इधर ही हूँ। फिलहाल शादी के बाद जो है वो थोड़ी बहुत दावतें थी जो कि अटेंड करनी थी, उसके बाद जाना था। खैर, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ड्रोन से जो कुछ शूट्स लिए हुए थे जो कि मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। उसके अलावा ब्राइडल रूम जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूं कि कैसे हम लोगों ने जो है ना वो डेकोर करवाया हुआ था। ये देखें, कुछ फूलों की पत्तियों के साथ सेज वगैरह, ये देखें फ्रेश फ्लावर से जो है वो सेज बनी थी, तो इस तरह से बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खुशबू आ रही थी रूम में से माशाल्लाह से। तो हर जगह पे जो है ना वो गुलाब के फूल की पत्तियाँ थी। तो खैर, हम लोगों ने ये जो सेज बनवाई है ये, और इसके अलावा कुछ एंट्री का जो था ना वो किया हुआ था, मतलब कि अनार के साथ जो है ना वो एक बड़ा ही खूबसूरत था। मैं आपको दिखाऊंगी आगे चलकर, आप लोग देखिएगा। वो सारा जो है हम लोगों ने एक ही भाई से जो है वो करवाया था, और उनका पेज भी है, पता नहीं किस नाम से, मुझे नहीं पता। वैसे तो आई होप कि आप लोगों को भी हमारी भाभी के साथ साथ ये सारी चीज़ें, जो हमारी मेहनत थी, जो कोशिश थी, वो अच्छी लगी होगी। भाभी ने तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स बताएंगे कि आप लोगों को भी अच्छा लगा या नहीं। क्योंकि हमारी पूरी कोशिश थी कि एक आने वाली जो लड़की है उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी ना लगे, ये ना फील हो कि भाई मैंने अपनी फ्रेंड की शादी में या किसी की शादी में ये चीज़ देखी थी, मेरी शादी में ये नहीं हुई। हम जो भी कुछ कर रहे थे तो यही सोच कर रहे थे कि आने वाली लड़की बस खुश हो हमारी हर एक छोटी छोटी चीज़ से भी। तो हम लोगों पूरी कोशिश की, इसके अलावा भी थोड़ा सा डांस भी करेंगे, थोड़ा भंगड़ा भी डालेंगे, और मतलब कि जाहिर सी बात है भाई की शादी की खुशी तो है ही है, उसके साथ साथ भाभी को भी ये फील ना हो कि मतलब कि वो किसी ऐसे घर में आ गई है या परेशानी ना हो कोई भी इस तरह से। बल्कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सबसे अच्छा जो सीन था वो यही लगा आप लोग को, बारात में रुखसती के बाद जो है वो भाई और भाभी दोनों अकेले जो है वो गाड़ी में आए थे, और सबको ये वाला जो सीन था वो बहुत अच्छा लगा था। तो हम लोगों ने भी यही सोचा था कि भाभी को हम अकेले ही भेजेंगे भाई के साथ, क्योंकि लड़की जब रुखसती के बाद रुखसत होकर दूसरे घर आती है तो वो बेचारी पता नहीं अपने दिल और दिमाग में क्या क्या चीज़ें सोचती है, काफ़ी ज़्यादा घबराई भी होती है, परेशान होती है। तो शायद मे भी वो थोड़ी बहुत बातें करने के बाद रिलैक्स हो जाएगी कि नहीं, मैं किसी अच्छे घर में जा रही हूँ, मैं किसी अच्छे लड़के के साथ जा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, खैर अभी आगे आप लोग भी हमारे व्लॉग को इन्जॉय करें, तो मैं भी आपके साथ साथ व्लॉग देख रही हूँ। आ रहे तो भाई अभी माशाल्लाह से दुल्हा और दुल्हन आ चुके हैं और हमारी भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। एक साइड पे मेरी फूफो खड़ी हुई है और एक साइड पे मेरी अम्मी खड़ी हुई है। तो अब जैसे ही दुल्हा जो है वो दुल्हन को लेकर आएगा और थोड़ा सा तेल वगैरह डालते हैं दरवाजे पे मेरे ख्याल में, उसके अलावा अनार चलेंगे अभी एकदम से, और आप लोगों ने वो सीन सारे देखने हैं। और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि हमने थोड़ी सी जो है वो कोशिश की है कि अपनी भाभी को खुश करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा जो है ना वो स्पेशल किया था, तो वो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आज के व्लॉग में जो है वो गाने चल रहे हैं, तो मुझे डर है कि कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसलिए जो है वो कहीं पे मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी, कहीं पे मुझे इसी तरह से छोड़ना पड़ रहा है, तो क्या करूँ। मोबाइल पकड़ी, मोबाइल पकड़ो, गड्डी है। तो भाई कैमरामैन की पूरी कोशिश थी जो व्यू था वो अच्छे से ले सकें, क्योंकि अनार चलने थे। जब आप भी देखिएगा कि पूरे घर का एक बड़ी खूबसूरत सी लुक आनी थी, लेकिन आसिफ ने इस जगह पैसा बर्न किया था। मैं आपको बता नहीं सकती, असल में हुआ कुछ इस तरह से था कि अनार जब चले थे तो दुल्हा और दुल्हन सेंटर में खड़े होते थे, तो वहाँ पे कैमरामैन ने खुद शूट लेना था, तो आसिफ ने मेरे व्लॉग के चक्कर में उनका शूट ख़राब कर दिया था। उन्होंने फ़ौरन से जब वो कैमरा लेके आ गया है तो पीछे उनका सारा सीन तो ख़राब हो गया। उन्होंने कहा उन दोबारा अनार चलाओ जी, असी किस तरह वाला सीन लेंगे, सारा सीन साढ़ा ख़राब कर देता है। पापा आगे कर लो आसिफ भाई।
तो किसी भी लड़की के लिए वैसे आसान नहीं होता है एक घर से दूसरे घर में आना या फिर वहाँ आके उस फैमिली में एडजस्ट होना। तो हमारी बहुत सारी दुआएं हमारी भाभी के लिए, क्योंकि हमारी पहली भाभी है और ये जो भाई है हमारा वो भी बहुत ज़्यादा लाडला है। जाहिर सी बात है, छोटा भाई तो होता ही लाडला है, ये छोटे से बड़ा है और दोनों भाइयों से हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाडले हैं। तो फर्स्ट भाभी भी थी और इसके अलावा हमें बहुत सारे शौक भी हैं कि अल्लाह पाक बस इनको बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत बहुत ज़्यादा हमेशा खुश रहें। आमीन। तो अभी आने लगा है फ्रेंड्स वो वाला सीन जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि आसिफ ने भंड कर दिया था वहाँ पे, और वो सीन जो था आसिफ ने सारा कैमरामैन का ख़राब कर दिया था। तो आप लोग भी देखिए ज़रा वो वाला सीन। फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों को कैसा लग रहा है ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है कुछ लोगों को शायद मे भी इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जहां बहुत सारे लोग पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं वहां पे कुछ लोग जो होते हैं शायद वो सही चीज़ को भी गलत की तरफ ले जाते हैं, तो शायद उनको भी कुछ गलत लग सकता है। लेकिन मैं सबकी बात को अग्री करती हूँ, क्योंकि जब हम किसी को देख कर कुछ भी जज करते हैं तो वो हम ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी, लेकिन जब अपने भाई की शादी हो, जब आप अपने खुशी पर मतलब कि अपने जज्बात पर काबू नहीं रखते हैं, तो आप मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो सामने वाले को शायद बुरी लग जाती हैं। लेकिन हमें अपने जो है ना वो क्योंकि पहले भाई की शादी है, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि मतलब कि हर तरह से हमारा हर एक इवेंट जो है अच्छा। और मैं जैसे कि पहले व्लॉग में भी शायद मैंने ये बताया था कि जो कुछ हमने सोचा था ना उस तरह से नहीं हुआ, अभी ये समझ लें कि बस इसी तरह से सब कुछ हो रहा था, जो चीज़ें सोची हुई थी ना वो बिल्कुल भी नहीं हुई, शायद हम लोगों ने इससे भी बहुत ऊपर और बहुत कुछ सोचा हुआ था, तो वो सब कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह शादी जो है वो बहुत 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 अच्छी गुजर रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, बस आप सब दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना इन दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा करें और इन दोनों के मतलब कि रिश्ता जो है ना वो बहुत अच्छा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ता क़यामत जो है ना वो चले दोनों का। आमीन सुम आमीन। Oh
जब से हम लोग छोटे हैं ना, अभी तक जब भी देखते हैं ना, जब जैसे ही शादी होती है, लड़की अपने घर जाती है तो वहाँ पे इसी तरह होता है कि कुरान पाक खोला जाता है, वहाँ की एक लाइन जो है ना उसे सुनी जाती है। तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं वो ज़रूर बताइएगा। तो शायद मे भी ये भी एक रस्म है या देखा जाता है लड़की कुरान पाक पढ़ी है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह सीन क्यों होता है ये मुझे नहीं पता है। हाँ ये तो है, बात मानने, ये तो बात मानने वाली। तो जैसे ही शादी वलीमा हो या बारात हो, जैसे ही एंड होता है तो शाम में सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं, तो फिर आप लोगों के हाँ भी ऐसा यकीनन होता होगा अभी तुसी बड़े सोने लगते सब पे, तुसी बड़े सोने लगते सब पे, तो ऐसे रहा वैसा रहा, ये वो सब चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। तो सेम इसी तरह से जो मेरी बड़ी बहन है और उनके हस्बैंड जो हैं वो मेरे हस्बैंड की तारीफ़ कर रहे थे, मेरी बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। तो मेरी खैर आप सब ने बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि नौरीन आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आपका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है और आप खुद भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड की तारीफ़ भी सुन लें। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इसका पार्ट टू अगर बना तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अदरवाइज फिर यहीं पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। और आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा आज का मेकअप कैसा लगा आप लोगों को। मियाँ जी थोड़ी जी तारीफ ही काट दो यार, मुझे जी लगा माशाल्लाह तुसी छाओगे आज, छाओगे प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी, अल्लाह ताला नजरे बात तो बचाए। नहीं अम्मी वाकई हकीकत गल है, चौदवी का चंद लग रही थी, यकीन कर, यकीन रोटी नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू बड़ी आपी, बड़ी आपी इधर आए, आप नहीं बताना मैं कैसी लग रही थी आज, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी मैं। थैंक यू आपकी, मैंने यही गल अच्छी लग रही है तो फौरन वीडियो चलनी है, अच्छी लग रही थी मैं, आप भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। कैमरे के सामने आके एकदम चुप क्यों जाती, बोला करे, माशाल्लाह तुम बहुत प्यारी लग रही है। आपकी नौशी, आप कमाल कर रही है, आपकी पर्सनालिटी आपके साथ है। और कल मैंने कौन सा कलर पहनना है, कौन सा ड्रेस पहनना है, इंशाल्लाह अब इसका आपको कल भी पता चलेगा। ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर अच्छे से नहीं वलीमे वाले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, बाय बाय।